सेक्शन पढ़ना सिखा दो, बहुत आसान होता है। देखो सबसे पहले ही बताओ कि क्या लॉ में सेक्शन कोई बहुत बड़ा हवा है, कि बहुत कोई कठिन चीज होती है सेक्शन? नहीं, सेक्शन क्या है? नंबरिंग है। सेक्शन क्या है भाई? किसी चीज को नंबर तो देना पड़ता है ना, नहीं तो आप उसको पुट कैसे करोगे, रेफरेंस कैसे दोगे? मान लो मैं कोर्ट में गया प्रांशु, और मैंने सुन मैं कोर्ट में गया और मैंने कहा सर कि मेरे साथ अन्याय हो गया। बोले क्या अन्याय हो गया? बोले सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के बुक के पेज नंबर 25 पे ऊपर से चौथे पैराग्राफ की तीसरी लाइन के दूसरा वर्ड जो है उसमें लिखा है कि ये चेक का बाउंसिंग ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, और देखो मेरे साथ बाउंसिंग हो गया। ऊटपटांग नहीं लग रहा ऐसा बोलना कोर्ट में? तो पूरा लॉ पैराग्राफ में लिखते बिना नंबर के, तो ऐसे ही बताना पड़ता है कोर्ट में? अरे बोले हाँ, आप ये कैसे लिख के आते? बोले पार्टनरशिप एक्ट के पेज नंबर 22 के थर्ड पैराग्राफ के नीचे से तीसरी लाइन में लिखा हुआ है कि नोटिस गिवन टू एन एक्टिव पार्टनर इज इक्वल टू नोटिस गिवन टू द फर्म। तो बोले ऊटपटांग नहीं हो जाता ये थोड़ा सा? ये ऊटपटांग परिस्थितियों से बचाने के लिए लॉ ने हर हर बात को एक नंबरिंग दे दी, ताकि रेफरेंस देना आसान हो जाए कि बात कहाँ लिखी लॉ में। बोले सेक्शन में, सेक्शन 24 में लिखी है। बोले ये वाली बात 23 में लिखी है, ये 42 में लिखी है, ये 81 में लिखी हुई है। बोलो इसका मतलब सेक्शन कोई हवा नहीं है, लॉ में जो बातें लिखते हैं उनको एक नंबर दे देते हैं हम। नंबर देने से क्या हो जाता है? एक तो याद करना आसान हो जाता है कौन सी बात कहाँ लिखी है, दूसरा रेफरेंस देना आसान हो जाता है, तीसरा जस्टिस मिल जाता है इजीली आपको। जल्दी से बता दो कोर्ट को कहाँ लिखी है ये बात और हमारे साथ क्या हुआ। बोलो हाँ, सबसे पहली बात सेक्शन कोई हवा नहीं है, एक बात। दूसरी चीज भाई, सेक्शन के बाद फिर क्या आ जाते हैं? सब सेक्शन। तो यार ये तो तय बात है कि कोई भी चीज थ्योरेटिकली लिखी जाएगी तो उसके पॉइंट्स में कुछ सब पॉइंट्स भी होंगे, सब पॉइंट्स के भी कुछ सब पॉइंट्स होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे भाई, आपके पिताजी का नाम क्या और दादाजी का नाम क्या और उनके दादाजी का नाम क्या, कोई बता सकता है मुझे? जैसे मान लो परदादाजी का नाम क्या है, मोतीलाल जी, चलो मोतीलाल जी। दादाजी का नाम क्या है, रामलाल जी, रामनारायण, रामनारायण जी। सब में जी आप लगा के चलना है ना, मान लेना जी है। हाँ, रामनारायण जी के बेटे कौन, नीरज जी, और नीरज जी का बेटा कौन, शुभम। तो भाई ये क्या एक दूसरे के सेक्शन, सब सेक्शन, सब सेक्शन, सब सब सेक्शन, और मैं समझाऊंगा पढ़ते कैसे। यही हम नोट मेकिंग में करते हैं। करी नोट मेकिंग आपने स्कूल में 11th क्लास में? आप पहले एक पॉइंट बनाते हो, जो मान लो वन बनाया, फिर उसका क्या बनाते हो, सब पॉइंट ए बी सी। अब ए का भी कोई सब पॉइंट है तो फिर छोटा रोमन न्यूमरल लेते हो आप वन, बोलो हाँ। तो इससे क्या शो होता है कि भाई ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है, ये इसका सब पॉइंट है और ये चीज इसका सब पॉइंट है, तो इनका आपस में कनेक्शन बैठ जाता है ना ऐसा करने से, बोलो हाँ। अब मजा ये है कि कई बार लॉ में भी कोई बात लिखी रहती है किसी सेक्शन में, और उस सेक्शन में दो तीन बातें उसके अंतर्गत होती हैं, तो उनको हमको क्या नाम देना पड़ता है, सब सेक्शन। अब सब सेक्शन के भी तो सब पार्ट हो सकते हैं, बोलो हाँ। तो सब सेक्शन का सब पार्ट हुआ, मान लो सब सेक्शन 2 का सब पार्ट है, तो उसको हमको फिर क्लॉज नाम देना पड़ता है, और उस क्लॉज का भी कोई सब क्लॉज हुआ तो फिर हमको उसको सब क्लॉज। ये भी कुछ नहीं सिर्फ नंबरिंग है, बोलो आई बात समझ में? तो सेक्शन पढ़ना आया आपको, पहली बात तो सेक्शन कोई हवा नहीं, सेक्शन इज जस्ट अ नंबरिंग। सेकेंडली सेक्शन के अंदर भी तो अंदर कुछ बातें लिखी हो सकती है, उनको क्या बोलेंगे, सब सेक्शन। और सब सेक्शन के भी अंतर्गत पॉइंट हो सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, क्लॉज। और क्लॉज के भी अंतर्गत एक दो पॉइंट हो सकते हैं, उसके भी छोटे सब क्लॉज। उससे ज्यादा हम करते नहीं, फिर उसके बाद नया सेक्शन बना देते हैं, इससे डीप नहीं जाता। तो कितने ज्यादा से ज्यादा टुकड़े हो सकते हैं किसी सेक्शन के, चार। पहला सेक्शन, उसके ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, सब सेक्शन, उसके ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, क्लॉज, और उसके भी ब्रैकेट आगे आ जाए तो सब क्लॉज। तो सब हर सेक्शन में सब क्लॉज तक ही जाता है, या कोई कोई सेक्शन सिर्फ सेक्शन सब सेक्शन पे खत्म हो जाता है? बोले कोई कोई में सिर्फ सेक्शन के सब सेक्शन ही होते, उससे ज्यादा उसके भेद ही नहीं होते हैं। किसी किसी में सेक्शन सब सेक्शन और क्लॉज होते हैं, और किसी किसी में सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज और क्लॉज के भी पॉइंट हुए तो सब क्लॉज तक पहुंच जाता है, बस ज्यादा से ज्यादा इससे आगे जाता ही नहीं है। अब मजे की बात सुनो, सेक्शन हमेशा न्यूमेरिक या अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, कैपिटल न्यूमेरिक या कैपिटल अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। सेक्शन हमेशा
कैपिटल न्यूमरिक या कैपिटल अल्फा न्यूमरिक होते हैं। पूछो कैसे। न्यूमरिक किसको बोलते हैं जिसमें नंबर हो, सेक्शन 1, 2, 3, 4, ये वाला नहीं लिख रहा हूं मैं। हाँ लिख रहे हो आप, क्योंकि ये कैपिटल है, मैथमेटिकल डिजिट्स है। समझ में आया क्या मतलब मैथमेटिकल डिजिट्स, यू बोल दो आप, रोमन नहीं, मैथमेटिकल न्यूमरल्स। सेक्शन हमेशा या तो न्यूमरल होते हैं न्यूमेरिक या अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। अगर अल्फा न्यूमेरिक हुए तो अल्फाबेट कैसा होगा, कैपिटल। जैसे सेक्शन कभी ऐसा नहीं हो सकता है सेक्शन 2A, अगर सेक्शन है तो सेक्शन 2A हो सकता है, 372A हो सकता है, 21A हो सकता है। सेक्शन कभी भी ऐसा नहीं होगा सेक्शन 8B, अगर बी है तो फिर बी सेक्शन नहीं होगा, फिर वो क्लॉज में जाएगा छोटा बी। समझ में आया, अगर सेक्शन लिखा है तो सेक्शन हमेशा क्या होगा, या तो न्यूमेरिक या अल्फा न्यूमेरिक। न्यूमेरिक हुआ तो मैथमेटिकल नंबर आएगा बड़ा वाला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 45, 74, 4, 74। समझ में आ रही बात। और अगर अल्फा न्यूमेरिक हुआ तो कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट एंड नंबर होगा, और वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट एंड नंबर होगा उसमें नंबर तो ये वाला ही होगा मैथमेटिकल, और जो अल्फाबेट होगा वो कैपिटल होगा, ए बी सी डी कैपिटल वाला होगा। समझ में आ गया किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं सेक्शन की। समझ में, सेक्शन ऐसा होता है। सब सेक्शन कैसे लिखते हैं ये बताता हूं, सेम सब सेक्शन का भी यही रूल है। सब सेक्शन भी या तो न्यूमेरिक होता है मैथमेटिकल या अल्फा न्यूमेरिक होता है, और अल्फा न्यूमेरिक हुआ तो न्यूमेरिक मैथमेटिकल होता है और अल्फाबेट कैपिटल होता है। जैसे कि सेक्शन 21 सब सेक्शन 2A आया, सेक्शन 45 सब सेक्शन 1, सेक्शन 292 सब सेक्शन 4, सेक्शन 81 सब सेक्शन 2B। ये किसके एग्जांपल हैं, ये जो ब्रैकेट ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, ये देखो आप सब सेक्शन कितने तरीके से लिखे मैंने, या तो सिर्फ न्यूमेरिक या अल्फा न्यूमेरिक, और अल्फा न्यूमेरिक में फिर न्यूमरल कौन सा लिया है, मैथमेटिकल कैपिटल, और अल्फाबेट भी कैसा लिया है कैपिटल। समझ में आया कितने तरीके से लिखते हैं सेक्शन सब सेक्शन, दोनों का सेम तरीके हैं, सेक्शन का भी और सब सेक्शन का भी। अगर इससे ज्यादा भेद होते हैं किसी के तो फिर वो कैसे लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं क्लॉज। इससे ज्यादा भेद होते हैं उसको क्या बोलते हैं क्लॉज, वो कैसे लिखते हैं। तो क्लॉज या तो न्यूमेरिक होते हैं या अल्फाबेटिकल होते हैं। न्यूमेरिक हुए तो रोमन स्मॉल न्यूमरल होंगे, और अल्फाबेटिकल हुए तो स्मॉल अल्फाबेट्स होंगे, दोनों के बीच में। और क्लॉज कैसा होता है, या तो न्यूमेरिक या अल्फाबेटिकल। अल्फा न्यूमेरिक लिखा क्या मैंने जनरली, हाँ ये सब जनरल रूल है, इसके एक्सेप्शन भी मिल सकते हैं, कहीं किसी लॉ में सरकार ने एक्सेप्शन दे दिया हो तो बात अलग है, है ना, मतलब इस बात को एब्सोल्यूट मत लेना। ये जनरल प्रैक्टिस है बनाने की जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इस तरीके से बनाती है सरकार, ठीक। अब सुनना कैसे, जैसे सेक्शन 21 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, अथवा सेक्शन 21 सबसेक्शन 4A क्लॉज 3, इनमें से क्लॉज कौन सा है ये बताओ। ये क्लॉज है, ये क्लॉज है। अब देखो क्लॉज कैसे किन दो तरीके से बनता है, क्लॉज या तो अल्फाबेटिकल होता है या क्लॉज न्यूमरल होता है। अगर न्यूमरल होता है तो रोमन स्मॉल होता है। कैपिटल बनाया क्या मैंने, कैपिटल 3 बनाया क्या ऐसा, नहीं, कौन सा वाला बनाया, रोमन स्मॉल। और या तो अल्फाबेटिकल होता है, तो अल्फाबेटिकल होता है तो भी स्मॉल अल्फाबेट होता है बी। समझ में आ गया, क्लॉज जब भी होगा ऐसा होगा, क्लियर। हाँ तो बोलो, चौथा सब क्लॉज होगा तो कैसा होगा, सब क्लॉज किसको बोलते हैं, क्लॉज का भी कोई सब पॉइंट है उसको, बोले सब क्लॉज का भी सेम रूल है, सेम रूल। या तो सब क्लॉज न्यूमेरिक होगा या अल्फाबेटिकल होगा, न्यूमेरिक होगा तो रोमन होगा, अल्फाबेटिकल होगा तो स्मॉल होगा। अंतर सिर्फ इतना है कि अगर आपने
क्लॉज न्यूमेरिक ले लिया है तो सब क्लॉज अल्फाबेटिकल हो जाएगा, और अगर आपने क्लॉज अल्फाबेटिकल ले लिया है तो सब क्लॉज न्यूमेरिक हो जाएगा। समझ में आ गया? ये कहीं नहीं मिलने वाला जो मैं बता रहा हूं आपको। ये तो बोला ही नहीं है कि आप जो बताते हो उसमें बहुत सारी बातें यूट्यूब पे भी नहीं मिलती, ये तो बोला था ना, ये तो बोला ही नहीं यार। नहीं मिलेगी गारंटी। चलो, इसका मतलब ऐसे लिख सकता हूं मैं, सेक्शन 84 सब सेक्शन 4 क्लॉज बी सब क्लॉज सी। गलत कर दिया, कंफ्यूज हो जाएंगे ना लोग, क्योंकि इसके बाद भी तो एक सी था। अरे समझ में, तभी तो ये हो सकता था। तो क्या करना है, अगर ये वाला ले रखा हो क्लॉज अल्फाबेटिकल तो सब क्लॉज फिर ये वाला बन जाएगा, और अगर आपने क्लॉज जैसा ले रखा हो सेक्शन 84 सब सेक्शन 4 क्लॉज 1 या क्लॉज 2 तो इधर फिर अल्फाबेटिक लेना पड़ेगा सब क्लॉज, वो भी रोमन में और वो भी स्मॉल में, ए बी या सी, इस तरह से पढ़ना है सेक्शन। ये कौन से सेक्शंस की बात बता रहा हूं मैं आपको, ये मैं आपको बात बता रहा हूं किसी भी एक्ट के जनरली सेक्शन 3 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी सेक्शन है उसमें। सेक्शन 2 को हमेशा छोड़ के चलना, 2 पढ़ाया ही नहीं अभी तक मैंने आपको किसी भी एक्ट का, थोड़ी देर के लिए फर्ज करूं मैं 2 की बात। ये जितनी बात वो छोड़ो, ये जितनी बात मैं बता रहा हूँ कौन से सेक्शन की बता रहा हूँ, ये कौन से सेक्शंस को पढ़ना सिखा रहा हूँ मैं आपको, ये सेक्शन 3 से लेके आगे जितने भी सेक्शन होते हैं किसी भी एक्ट में वो पढ़ना सिखा। सेक्शन 2 अलग से पढ़ना सिखाऊंगा आपको, सेक्शन 2 पढ़ना अलग से सिखाऊंगा, हर एक्ट का सेक्शन 2 कैसे पढ़ते हैं वो अलग से पढ़ना सिखाऊंगा। ये कहां से कहां तक के सेक्शन सिखाए मैंने आपको, सेक्शन 3 से लेके, और इन्फिनिटी का अर्थ ही नहीं कि इन्फिनिट सेक्शन होते हैं। अब हर एक्ट में किसी में 400 होते हैं, किसी में 600, किसी में 100, किसी में 50, किसी में 80 सेक्शन ही होते हैं, तो हर एक्ट के अलग अलग नंबर ऑफ सेक्शन है। 3, 4, 5 जब भी पढ़ोगे इस तरह से पढ़ोगे, पढ़ना आया सेक्शन पढ़ना है। अब भारत के जितने भी एक्ट हैं उसमें 98% एक्ट्स, भारत के जितने एक्ट हैं उनमें 98% एक्ट यानी कानूनों में सेक्शन 2 में हमेशा डेफिनेशन होती है। सेक्शन 2 में क्या होती है और किस चीज की डेफिनेशन होती है पूछो, बोले उस एक्ट में जो जो कीवर्ड यूज होने वाले हैं जिनको आगे आप समझने के लिए इंटरप्रिटेशन मांगोगे उनको शुरू में सेक्शन 2 में ही डिफाइन कर दिया जाता है। इनफैक्ट सेक्शन 1 जो होता है किसी भी एक्ट का उसमें 3 चीजें होती है, एक तो होता है शॉर्ट टाइटल, दूसरा होता है एक्सटेंट, और तीसरा होता है कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल मतलब एक्ट का नाम, एक्सटेंट यानी कि कहां कहां पे लागू होती है, और कमेंसमेंट मतलब किस डेट से लागू हुई। ये हमेशा कौन सा होता है सेक्शन 1, जैसे पार्टनरशिप एक्ट, तो बोला एक्ट का नाम है द नेम ऑफ द एक्ट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 1st October 1932 एंड सेक्शन 69 केम इनटू फोर्स ऑन 1st October 1933। ये पार्टनरशिप एक्ट का क्या हो गया सेक्शन 1। ऐसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी सेक्शन 1 में यही होगा, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 1 में भी यही होगा, कोई भी एक्ट बनेगा तो उसका सेक्शन 1 जो होगा उसमें यही 3 बातें होती है, एक्ट का नाम, किस तारीख को लागू हुआ, और कहां कहां लागू होता है वो, किस किस जगह पे लागू होता है देश में। अब तो खैर सभी एक्ट पूरे भारत में लागू होते हैं आजकल, तो खत्म हो गया वाला प्रोविजन जम्मू कश्मीर वाला। तो बोलो बात समझ में आया, तो कितनी चीजें होती है सेक्शन 1 में, शॉर्ट टाइटल, नाम, एक्सटेंट, और ये हो गया शॉर्ट में सेक वन। भाई यहीं सेक वन सेक टू चालू कर दो, याद लॉजिक समझ में आया, याद करने का, SEC शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, सेक 1, सेक 2, सेक्शन का शॉर्ट फॉर्म वैसे भी सेक ही लिखते हैं अपन। बोलो हाँ, ये सिर्फ बनाया हुआ है, ऐसा है नहीं असल में, ये मैंने क्रिएटिविटी से किया ना, ये तो बात समझ में आई क्या प्यारे बच्चों। तो सेक्शन 1 में क्या, मैंने 3 से पढ़ाए थे सारे, 1 नहीं पढ़ाया था, 2 नहीं पढ़ाया था, 1 पढ़ा दिया। 1 में क्या होता है, इसलिए 1 सेक्शन 1 का भी आप देखते हो सर 1 तो है नहीं, सीधे 2 से शुरू किया, जैसे यहां भी अपन ने किससे शुरू किया, 2 से कर दिया, 1 तो पढ़ाए, 1 पढ़ने का ही नहीं ना, 1 मालूम ही रहता है कि भाई एक्ट का नाम क्या है, पूरे भारत पर लागू हो रहा है, और कई बार डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती किस तारीख से लागू हुआ, कोई पूछता भी नहीं है, इसलिए वो छोड़ देते हैं अधिकतर लोग पढ़ाने वाले, ढूंढो तो मिल जाती है वो डेट, तो बड़ी बात नहीं है। बोलो बात समझ में, अब कितने सेक्शन बच गए, 3 से लेकर अनंत तक सारे पढ़ना सीख गए, 1 मालूम पड़ गया 1 में क्या होता है, ठीक 2 पढ़ा दो, 2 में क्या होता है, तो 2 में क्या बता रहे थे हमें, 2 में क्या होती है, किसकी डेफिनेशन होती है, उन सभी टर्म्स की, इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो उस एक्ट में आगे यूज होंगी। जैसे कंपनीज एक्ट में कौन कौन से वर्ड यूज होंगे, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, सेक्रेटरी, आ रही बात समझ में,
शेयर्स, डिबेंचर, ये वो वर्ड्स हैं, सिक्योरिटी, ये वो वर्ड्स हैं जो कंपनी एक्ट में आगे यूज होंगे। अब आगे कैसे यूज होंगे, डिबेंचर पे पूरा चैप्टर है, टॉपिक है, शेयर्स पे पूरा टॉपिक है, सेक्रेटरी मतलब कंपनी सेक्रेटरी एज डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट 1980, समझ रहे हो। तो ये सारे वर्ड यूज होंगे, तो इनको जो वर्ड आगे यूज होंगे उनको शुरू में सेक्शन 2 में कंपनीज एक्ट ने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। जैसे कि एक डेफिनेशन कंपनी की दे दी, कंपनीज एक्ट में एक डेफिनेशन किसकी दे दी, कंपनी की दे दी, आया समझ में। अब प्रश्न ये है कि सब सेक्शन, फिर क्लॉज, फिर सब क्लॉज, ये कब बनाने पड़ते हैं, जब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हो, इंटर रिलेटेड हो। कि भाई सेक्शन 4 में कोई बात बोली है, उसका एक सब पॉइंट है सब सेक्शन, उस सब सेक्शन का सब पॉइंट है क्लॉज, और उस क्लॉज का सब पॉइंट है सब क्लॉज। लेकिन सेक्शन 2 में तो सारी क्या होती है, डेफिनेशंस होती हैं, एक डेफिनेशन दूसरी डेफिनेशन से जुड़ी हुई नहीं होती। क्यों, क्यों हवा, तो हर वर्ड अपने आप में एक डेफिनेशन है। तो सेक्शन 2 के जो पॉइंट्स हैं, सेक्शन 2 के जो सब पॉइंट्स हैं, क्या वो एक दूसरे से इंटरलेटेड होते हैं, एक दूसरे के सब पॉइंट्स होते हैं? बस वो सेक्शन 2 जो डेफिनेशन है सिर्फ उसी के सब पॉइंट होते हैं। तो सेक्शन 2 में कभी जनरली सब सेक्शन नहीं होता, सारे क्या होते हैं, क्लॉज होते हैं। सेक्शन 2 में क्या होते हैं, क्लॉज। और ये ही एकमात्र एक्सेप्शन है जो मैंने पढ़ाया उसका। मैंने क्या बोला था कि सेक्शन के बाद क्या होते हैं, सब सेक्शन। लेकिन सेक्शन 2 के बाद अधिकतर एक्ट में 3 के बाद सब सेक्शन होगा। वापिस बोलता हूं, अगर सेक्शन 4 है तो उसके बाद जो ब्रैकेट आएगा वो सब सेक्शन, सेक्शन 5 है तो उसके बाद जो ब्रैकेट आएगा वो सब सेक्शन, सेक्शन 11 है तो उसके बाद जो ब्रैकेट आएगा वो, लेकिन अगर सेक्शन 2 है तो उसके बाद जो ब्रैकेट आएगा वो सब सेक्शन नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है, क्लॉज कहलाता है। क्योंकि उसके अंदर जनरली क्या पाई जाती है, डेफिनेशंस, और हर डेफिनेशन अपने आप में एक क्लॉज है, अपने आप में एक स्टैंडिंग है उसकी खुद की, जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती। इसलिए सेक्शन 2 में जब भी पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 22, सेक्शन 2 क्लॉज 50, सेक्शन 2 क्लॉज 68। पढ़ना है सेक्शन 2 कैसे पढ़ते हैं, सिर्फ सेक्शन 2 अलग से पढ़ा रहा हूं मैं, बाकी सब में यही रूल लगेगा जो मैंने पहले बताया। और सुनो मजे की बात, अब सेक्शन 2 का जो क्लॉज है, अभी मैंने क्या पढ़ाया था, क्लॉज कैसे लिखते हैं, या तो स्मॉल रोमन में लिखते हैं या फिर स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखते हैं, बोलो हाँ। लेकिन सेक्शन 2 के जो क्लॉज होते हैं वो कैपिटल न्यूमेरिक भी लिख सकते हैं, और सेक्शन 2 के क्लॉज स्मॉल अल्फाबेट्स भी लिख सकते हैं, और सेक्शन 2 के क्लॉज स्मॉल रोमन न्यूमरल्स भी लिख सकते हैं। समझ आ गई क्या बात, आया ना? इसका मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन जो दे रखी है सेक्शन 2 क्लॉज एच में, क्या पढ़ोगे इसको, सेक्शन 2 है तो ध्यान से पढ़ना, सेक्शन 2 क्लॉज एच, तो वो एच छोटा वाला लिया क्या, ये भी चलेगा। और अभी कंपनीज एक्ट में कंपनी की डेफिनेशन किसमें दी, देखो आप सेक्शन 2 क्लॉज 20 में, तो मेरी बात कट गई क्या यहां पे, कि यहां पे तो बड़ा वाला न्यूमरल ले लिया आपने मैथमेटिकल, लेकिन मैंने बताया सेक्शन 2 में बहुत सारे वेरिएशन है। एक तो क्लॉज पढ़ेंगे पहला, दूसरा इसमें मैथमेटिकल न्यूमरल भी आ सकते हैं, रोमन स्मॉल न्यूमरल भी आ सकते हैं, और अल्फाबेटिकल स्मॉल आएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता सेक्शन 2 क्लॉज है, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, सेक्शन 2 क्लॉज बी, सेक्शन 2 क्लॉज सी, बड़ा कैपिटल वाला न्यूमरल कभी भी आपको क्लॉज में या सब क्लॉज में देखने को, और इंडिपेंडेंट भी कभी भी अल्फाबेट कैपिटल देखने को नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो कैपिटल अल्फाबेट हमेशा नंबर के साथ मिलेंगे, वो भी सब सेक्शन में। बोलो आया, इसका भी एक एक्सेप्शन है, पूछो क्या। ये सारे जनरल रूल है, मैंने कहा कि ये एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है, पर पढ़ना तो सिखाना पड़ेगा, जनरली ऐसा होता है। अब जैसे मैं आपको एक एक्सेप्शन बताता हूं, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में कंपनी सेक्रेटरी की डेफिनेशन दे रखी है। आप तो बोले थे सेक्शन 2 में क्लॉज ही होते हैं सब, उसके आगे होता ही नहीं है, और सेक्शन 2 में कभी सबसेक्शन तो होते ही नहीं आपने बोला था, बाद में जाके गाली दोगे, बोले यार हमको तो ऐसा पढ़ाया, लेकिन तो मुझे तो सारा ही बताना जरूरी है होलिस्टिक, अपन तो लॉ वाले बंदे ना, हार्डकोर लॉ के। बोलो हाँ, तो जनरली क्या होता है सेक्शन 2 में, जल्दी बोलो, क्लॉज। लेकिन इसके भी एक्सेप्शन है, किसी किसी एक्ट में सेक्शन 2 में सबसेक्शन भी होता है और फिर क्लॉज भी होता है। जैसे कि हमारे एक्ट कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट का सेक्शन 21C जो कंपनी सेक्रेटरी को डिफाइन करता है, डेफिनेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी देता है, आया समझ में। तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कभी कभी आपको इसके एक्सेप्शन भी नजर आएंगे, लेकिन जनरल रूल क्या है, जनरली क्या देखने में आता है,
सेक्शन टू के बाद हमेशा क्लॉज होता है, और वो क्लॉज कैसे लिखा जाता है, या तो कैपिटल नंबर मैथमेटिकल, या रोमन न्यूमरल स्मॉल, या फिर स्मॉल अल्फाबेट। पहुंच गई क्या बात, पढ़ना सीख गए? अच्छा, जब मैथमेटिक, जब इसको डिजिट्स में लिखते हैं किसी भी सेक्शन को, तो कैसे लिखते हैं? जब डिजिट्स में लिखते हैं तो पहले सेक्शन लिखते हैं, सेक्शन से सेक्शन 44 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी। जब डिजिट्स में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। अब समझ में आया कि मैंने आपकी कॉपी में कई बार जब चेक की और आपने ऐसा लिखा था सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो मैंने काट दिया था, मैंने कहा बेटा ऐसे 9 नहीं लिखना, क्यों, ये तो उठपटांग हो जाएगा लिखना। अरे समझ में, सेक्शन 9 लिखना तो ऐसे लिखो ना कि सेक्शन 9 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, क्योंकि सेक्शन तो बाहर आएगा ना। और या फिर आपको इतना पूरा सेंटेंस नहीं फॉर्म करना हो तो जो लिखा है वो पूरा लिख दो, फिर ब्रैकेट में पूरा व्यवस्थित सेक्शन 9 ऐसे लिख दो, तो वो एज पर या अकॉर्डिंग टू वाला इतना लिखने के बजाय वो पूरी बात लिख दो, और अंत में बड़ा ब्रैकेट बना के, कैपिटल ब्रैकेट बना के अंदर सेक्शन 9 पूरा लिख दो। लेकिन ये जो लिखते हैं सेक्शन 42 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, ये गलत ही लिखना है। समझ में आ गया क्यों गलत है ये? अभी ठीक है, करेक्शन हुआ कि नहीं हुआ आपके लॉ पढ़ने के स्टाइल में और लिखने के स्टाइल में? हाँ या ना बोलो फटाफट, और सुनो। लेकिन कभी कभी आपको लॉ में ऐसा भी लिखा मिलेगा, ऐसा तो नहीं मैं बता रहा हूं, वैसा बोले क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 44 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जब आप पूरा पूरा लिखते हो तो पीछे से स्टार्ट करते हो। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि किसी दिन मॉड्यूल पढ़ने की इच्छा हो या कोई और किताब पढ़ने की इच्छा हो और इसमें लिखा ऐसा लिखा हुआ मिले तो कम से कम मेरे बच्चे को अच्छे से समझ में आना चाहिए, भारत के किसी और बच्चे को आए नहीं आए कि यार ये भी तरीका है, और अपने को कंफ्यूज नहीं होना है इसको। आप जब अपने हिसाब से नोट्स बनाओगे खुद से पढ़ के तो क्या बनाओगे, बोले ऑफ सेक्शन 44, तो सेक्शन 44 है, उसका सब सेक्शन 1 है और उसका क्लॉज सी है, तो बोले अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिख देंगे इसको सी 1 और 44। जब जब ऐसा पूरा पूरा लिखते हैं तो किससे स्टार्ट करते हैं, क्लॉज से स्टार्ट, क्लॉज सी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 44 प्रिस्क्राइब्स, फिर जो भी प्रिस्क्राइब करता है उसमें जो भी कुछ लिखा। ये भी तरीका पढ़ने का आया आपको अच्छे से, पक्का पक्का। यहाँ पे हमारी एक चीज पूरी हुई, क्या पूरी हुई, सेक्शंस को पढ़ते कैसे हैं, क्लियर एकदम, बढ़िया।